हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही टेस्टी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी, ये आसान और दानेदार टेस्टी लड्डू बनाएंगे। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 2 कप या 400 ग्राम सूजी लेंगे। अब हम लेंगे हल्का गर्म दूध। दूध हमें मलाई के साथ लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। दूध अगर आपके पास मलाई वाला नहीं है तो फिर आप दूध में 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने लगा लिया है। डो लगाने में हमें 1 कप + 1/4 कप दूध लगा है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए अलग रखेंगे। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे और डो को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब हम डो से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर छोटे छोटे मुठिये बना लेंगे। सारे मुठिये हम इसी प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे। सारे मुठिये बनाने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके पैन में 1 कप घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी के गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। मुठिये को हमें लो फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर में मुठिये को हम पलटते रहेंगे। मुठिये को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। मुठिये पर दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के मुठिये को भी फ्राई कर लेंगे। सारे मुठिये को फ्राई करने के बाद अब हम मुठिये को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। सारे मुठिये को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें बारीक पीस लेंगे। मुठिये को पीसने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। मुठिये को हमने इस प्रकार से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो इसे एक बार मोटी वाली चलनी से छान भी सकते हैं। और अब हमने मुठिये को फ्राई करने के बाद बचे हुए घी में से केवल 2 चम्मच घी को पैन में रखा है। बाकी के घी को हमने अलग निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कटे हुए बादाम डालेंगे, 2 चम्मच कटे हुए काजू और इन्हें लो फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच किशमिश डालेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और अब हम ड्राई फ्रूट्स को पीसे हुए मुठिये के मिश्रण में डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप शुगर पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें मावा डालना चाहते हैं तो 1/2 कप मावे को भूनकर इस समय इसमें मावा भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप हाथ से या इस प्रकार के मोल्ड से भी बना सकते हैं। मोल्ड में लड्डू का मिश्रण डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए दबाएंगे और अब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे। इस प्रकार से मोल्ड से लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और लड्डू दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से नीचे पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालकर भी आप लड्डू को बना सकते हैं। इससे ये लड्डू दिखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। इस लड्डू में हमने मावा नहीं डाला है तो इन लड्डू को आप 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।